हाँ जी, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले मतलब समझेंगे। इससे पहले हमने इशू ऑफ डिबेंचर फिनिश्ड कर लिया है। जिन बच्चों ने इशू ऑफ डिबेंचर नहीं किया उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस चैप्टर में। आप लाइव सेक्शन में जाके क्लास तीन ही क्लास में ख़त्म हो गया वो, तो 01, 02 और 03 क्लासेस आप इशू ऑफ डिबेंचर का कंप्लीट करेंगे, देन आगे आपको सारा कंटिन्यू समझ में आने लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात आती है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर जो हमने लास्ट चैप्टर फिनिश किया है उसमें से कौन से क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी है। तो मैं बोलूँ पिछला चैप्टर, और हालांकि बुक में दो चैप्टर दे रखे हैं और दो चैप्टर हैं भी, लेकिन एग्जामिनर पिछले चैप्टर को इसी चैप्टर के अंदर मर्ज करके क्वेश्चन बना के पूछेगा। यानी इशू ऑफ डिबेंचर में से अगर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, अदर देन कैश और एक कोलेटरल सिक्योरिटी, और कोई टॉपिक नहीं बनता, बाकी सारे टॉपिक इसमें मर्ज हो जाएंगे आपके। किस चैप्टर के अंदर? रिडम्पशन ऑफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है क्या। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस खरीदना। तो आप ध्यान दीजिए, और वापस खरीदना किसको है? डिबेंचर का मतलब क्या है? सिंपली देखा जाए तो एक्स वाई और जेड लिमिटेड एक कंपनी है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको, आप बस ध्यान दीजिएगा। इसने क्या करा? इशू कर दिए मान लेते हैं मिस्टर राम को, और मिस्टर राम को इसने कहा कि भाई मैं अपने डिबेंचर आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? राम एग्री है, यस मैं खरीदूंगा। इसे 10,000 डिबेंचर इशू कर दिए एट द रेट, जो 10,000 डिबेंचर था, 10% 10,000 डिबेंचर एट द रेट 100 रुपये ईच। तो सिंपल सी बात है, राम को मैंने कितने का डिबेंचर बेच दिया? 10 लाख रुपये का। अब राम को जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो राम से मैंने क्या करा? 10 लाख रुपये नोट या चेक मैंने ले लिया, 10 लाख रुपये। जब ले लिया तो राम को मैंने साथ के साथ प्रॉमिस किया, भाई तेरे पैसे मैं 5 साल के बाद वापसी दे दूंगा, ये प्रॉमिस किया मैंने। तो कहानी जब 5 साल जब बीत जाएगा, जब 5वां साल चलेगा, तब की कहानी हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। 5वें साल इसके पैसे इसको वापस देना है। जब 5th ईयर में हम इसके पैसे इसको वापस देंगे तो उसे बोला जाएगा हम डिबेंचर को क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर जब रिडम्पशन करेंगे क्या इसका कोई मेथड्स भी है? बिल्कुल, इसके मेथड्स हैं। रिडम्पशन करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या मेथड हो सकता है? मेथड नंबर ये हो सकता है कि भाई इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम राम है। हो सकता है कि हम राम के पैसे लमसम वापस करें। लमसम मतलब राम 5 साल बाद तेरे 10 लाख पूरे वापसी करूंगा। अब मुद्दे की बात है कि 5 साल बाद मैं इसको 10 देता हूं या 10 लाख 10,000 देता हूं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। पहला मेथड तो ये हो गया कि इसके वापसी जो पैसे किए जाएंगे हो सकता है लमसम हो। दूसरा हो सकता है इसका इंस्टॉलमेंट यानी ड्रॉ ऑफ लॉट बोल देंगे यहां पे। ड्रॉ ऑफ लॉट का मतलब है किस्तों में दे, कि भाई 5 साल में देना है ना, एक काम करते हैं मैं तेरे को 2 लाख पहले साल में दे दूंगा वापस, फिर 2 लाख उससे अगले साल में दूंगा, फिर 2 लाख। तो ये कैसे हो गया? एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में। तो इसके पैसे इंस्टॉलमेंट में भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि राम उस टाइम पे एग्री होगा। ऐसा मत समझना कि राम अगर ना ले तो, मान के चल रहे हैं जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो डिबेंचर होल्डर एग्रीड होता है वही करते हैं हम। तीसरा मेथड क्या हो सकता है सर? तीसरा हो सकता है ओपन मार्केट। में क्या सीखेंगे? ओपन मार्केट के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई जैसे मैंने राम को अभी तो प्रॉमिस कर दिया कि 5 साल बाद ही दूंगा, अभी प्रॉमिस क्या चल रहा है 5 साल बाद। कंपनी का थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, कंपनी के पास ढेर सारा पैसा आ गया, कंपनी ने 2 साल बाद ही अनाउंसमेंट डाल दी, एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया, जिसके डिबेंचर के पैसे वापस लेने हैं वो ले सकता है। 5 साल बाद बोला था, लेकिन जिसको जरूरत है अभी आके ले जाए, हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है। कितने में लेना है वो बिडिंग लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वापस दे देंगे। जो भाव मार्केट में रेट चल रहा होगा उसी रेट पे हम आपको पैसे वापस देंगे। तो ये क्या हो गया? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब रेट फिक्स नहीं है,
रेट जो मार्केट में चलेगा उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेंगे, और ये हमेशा टाइम से पहले दे दिया जाता है नॉर्मली। कई बार हो सकता है टाइम पे भी हम ऐसा ऑफर कर सकते हैं। नंबर चार, कन्वर्जन। सर कन्वर्जन का मतलब, कन्वर्जन मतलब भाई तेरे पास डिबेंचर है ना, तू अपना डिबेंचर तो हम तुम्हारे पैसे ना देके तुम्हें शेयर दे देते हैं, ले लो। शेयर के अलावा ऐसा हो सकता है हम तुम्हें क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास चार मेथड्स है किसी भी डिबेंचर को रिडीम करने का। हो सकता है लमसम हो सकता है आपका ड्रॉ ऑफ लॉट हो सकता है ओपन मार्केट से रिडीम की जाए, और हो सकता है बाय कन्वर्जन। समझ में आ रही है बात आपको? यानी पैसे वापसी करने के तरीके हैं। अगर मैंने मान लो आपके सारे पैसे एक बार और जिस डेट पे बोला उसी डेट पे दूँ तो कौन सा मेथड हो जाएगा, लमसम। आपके पैसे को मैं टुकड़ों में दे रहा हूँ तो कौन सा मेथड हो जाएगा, ड्रॉ ऑफ लॉट। आपके पैसे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ जो मार्केट रेट होगा उसी मार्केट पे आपको दिया जाएगा तो क्या होगा, ओपन मार्केट। और आपको मैं डिबेंचर वापसी पैसे नहीं दूंगा, पैसे के बदले मैं हो सकता है दूसरा डिबेंचर दे दूं, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर दे दूं, हो सकता है इक्विटी शेयर दे दूं, तो कौन सा मेथड होगा, बाय कन्वर्जन। समझ में आया पहले ये छोटी सी बात? तो यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, इस डिबेंचर को रिडीम करने के मेथड्स। सर अब मेथड्स के अंदर, मेथड समझ में आया? और ये सारे मेथड्स हमने सीखने हैं एक एक करके। और सर डिबेंचर होल्डर के जब आप पैसे रिटर्न करोगे तो आपके पास कैसे करोगे, आपके पास पैसा तो होना चाहिए। अगर हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, फंड। तो रिडीम करने के लिए जो सोर्स होगा, कहां कहां से आप डिबेंचर होल्डर को पैसे वापसी कर सकते हो, एक हो सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट, कि हम अपने प्रॉफिट में से पैसे बचा बचा के आपको दे देंगे। दूसरा हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल, मतलब आउट ऑफ कैपिटल मतलब कोई भी एसेट्स हमने बेचा और जो भी पैसे हमारे पास आया उससे हमने आपको पैसे रिटर्न कर दिए। तीसरा हो सकता है हमें आपको देना ही ना पड़े, हम क्या कर दें, कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन में हमें पैसे लौटाने होंगे, नहीं लौटाने, सिर्फ उसमें क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये क्या है, डिबेंचर को रिडीम करने के तरीके हम हर एक सीखेंगे। पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, या तो प्रॉफिट में से हम पैसे आपको लौटा सकते हैं, या कैपिटल में से, या फिर हम आपका क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो हम अब जो करेंगे ना आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके भी सारे मेथड एक एक करके हम करेंगे, मतलब केसेस बना के। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। थ्योरी का पार्ट यहाँ तक, ज़्यादा थ्योरी है नहीं इसमें भी, प्रैक्टिकली पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड्स ये हैं और सोर्सेस ये हैं। फिर मैं करवाता हूँ अभी फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। अगर किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो उस काम को करने से पहले आप तैयारी करते हो, है ना? अब उस काम के हिसाब से उस काम की तैयारी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर, एग्ज़ाम देने जाना है तो उसकी तैयारी पहले करोगे, या एग्ज़ाम देने के बाद करोगे तैयारी, पहले ही करेंगे ना। सेम अभी हमारा एक काम है, इस चैप्टर को सीखेंगे तो प्रायोरिटी पे काम है डिबेंचर होल्डर के पैसे वापसी करना। तो वापसी करने के लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। देखा क्या गया, पाया क्या गया, हमारा जो डिबेंचर है, और ये कौन इशू कर सकता है, कोई भी हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड हो सकता है ना, या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। और लिमिटेड का मतलब क्या होता है बताइए सर, ये तो कंपनी होता है लिमिटेड मतलब। अगर लिमिटेड मतलब कंपनी है तो इसको चलाने का और सारे रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा इस पर, CLB बनाएगा। CLB कौन होता है, कंपनी लॉ बोर्ड। इसके ऊपर सारे रूल कौन बनाएगा, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने नीचे एक छोटा सा और रख लेता है जिसको बोलते हैं ROC, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को दे दिया। तुम देखो, तुमसे नहीं संभलेगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। अब ये सारा चेंज चलता है। अब देखा गया कि अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट होता है तो कंपनी से ज्यादा अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चनिंग किया जाएगा, तो वो इससे किया जाएगा CLB, भाई तुमने कैसे रजिस्टर किया था फ्रॉड कंपनी को, हमने तो देखा सरकारी कंपनी है।
क्योंकि अगर कोई बैंक डूबता है तो लोग बाग बैंक को तो बोलेंगे ही, आरबीआई को भी बोलेंगे। आरबीआई किस लिए भाई फिर? अगर बैंक ही डूब गया तो आरबीआई क्या कर रही थी? सेम आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाए शेयर मार्केट में तो आप तो बोलोगे ही कंपनी, कंपनी लेके चलेगी, लेकिन सेबी को भी बोलोगे। सेबी क्या कर रही थी? हम ये प्रोटेक्शन करते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या काम था भाई तुम्हारा? सेम ऐसे कंपनी में जब फ्रॉड हो जाता है ना, डिबेंचर होल्डर के अगर पैसे ना दे वापसी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई तुमने क्यों रजिस्टर्ड किया था, तुम्हें तो सारी बातें पता थी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था इन्वेस्टर को। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, सीएलवी ना कुछ रूल बनाता है, कुछ रूल भी बनाता है, और सीएलबी ने एक्ट तो बना ही दिया है जी। एक्ट कौन सा है हमारा? 2013। और जैसे ही इसको महसूस होता है सीएलबी को कि भाई इस एक्ट के अंदर कुछ बदलाव करना है, एक्ट तो पूरा बन गया, एक्ट को बदलना इतना पॉसिबल नहीं है, 1956 के बाद अब बदला था, आप सोच रहे अभी फिर से 2013 में बदल दूँ, 14 में बदल दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा माइनर चेंज करना है तो वो रूल के थ्रू बदल देती है। रूल हर साल आता है, 2013 भी के बाद 14 भी आया, 15 भी आया, 16 भी आया, 17 भी आया, रूल क्या होता है? हर साल आता है। तो रूल का मतलब क्या है? थोड़े बहुत माइनर चेंजेस। तो एक्ट में पहले क्या था एक्ट के अंदर कि कभी भी कोई भी कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी तो रिडीम के टाइम पे उसको पैसा देना होगा। तो ज़्यादातर कंपनी पैसा लेने के टाइम पे आपको तो दिक्कत नहीं होगा, लौटाने के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। आप किसी दोस्त को पैसे दे के देखना, लेने टाइम पे प्रॉब्लम होगा आपको। तो जब पैसे को रिटर्न किया जाता है ना तो दिक्कत तब होती है। तो जब रिटर्न करने जैसे ही कंपनी का टाइम आता था, कंपनी बोलता था पैसे नहीं है, ये नहीं है, डिफॉल्टी हो गए हम, वहाँ दिक्कत आ जाता था। तो सीएलबी ने क्या करा था? सीएलबी ने करा, भाई कंपनी तुम जैसे ही डिबेंचर को जब तुम इशू करोगे ना, और रिडेम्पशन करना है तो तुम्हें पता ही, मान लेते हैं 5 साल, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं कि 5 साल बाद आपके पैसे मुझे लौटाने हैं और तुम्हें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लौटाने कितने हैं? 10 लाख। तो तुम 10 लाख रुपए को थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट में से बचा के रखना चालू कर दो, एक गुल्लक बना लो। 10 साल आप 5 साल बाद पैसे वापसी दोगे तो कंपनी लॉ बोर्ड बोलता है एक गुल्लक बनाइए कंपनी आप, और उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिए हर साल। उससे क्या होगा? लौटाते टाइम पे आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, यानी काइंड ऑफ रिजर्व बनाइए आप। अब सर कितना बनाना है? 2013 में बोला था कि आपको बनाना है कितना? 50%। 2013 में बोला था कितना बनाना है, फिर थोड़ी दिनों बाद 56 में 50% था, फिर थोड़े दिनों बाद हुआ ये 25%। तो सर जब 50 है, जब 25 हुआ होगा तो चेंजेस हो गया ना एक्ट में, तो 25 वाली बातें एक्ट के अंदर लिखी होगी या रूल में लिखी होगी? रूल में लिखी होगी। अब फिर से चेंज कर दिया, बोला अब बनाना है 10%। सर ये 10% 50% क्या बोल रहे हो? समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, पैसे रिटर्न तो 2015 में करोगे ना आपने, अगर यहाँ पे डिबेंचर इशू किया तो 5 साल करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा हो गया, 2014 में रिटर्न करोगे ना, इस साल आपका प्रॉफिट मान लेते हैं 15 लाख आया, इस साल मान लेते हैं प्रॉफिट आपने 10 लाख कमाया, इस साल मान लेते हैं 5 लाख कमाया, इस साल मान लेते हैं 2 लाख कमाया, इस साल मान लेते हैं 1 लाख कमाया, ऐसे प्रॉफिट कमा रहे हो। तो बोला गया इस प्रॉफिट में से एक गुल्लक बनाइए और इस गुल्लक के अंदर इस प्रॉफिट में से क्या करिए, पैसे डालते रहिए। तो पहले बोलते थे आधा डाल दो, आधा का मतलब आपको रिडीम कितना करना है? 10 लाख। तो 10 लाख में से आप 5 लाख रुपए बचा लो, तो 5 लाख रुपए 5 सालों में बचाओ, तो इस साल कितना डाल देते? 1 लाख। इस साल कितने डाल देते? 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 जिस साल रिडीम कर रहे हैं तो 50% तक बच गए ना, बचे या नहीं बचे? 5 साल हमारे, 5 साल जैसे हमने रिडीम किया तो इसमें कितना पड़ा हुआ है? 5 लाख। तो सेबी ने बोला था आपको 50% बचाना है, चाहे आप एक बार में बचा लो, चाहे आप 5 सालों में धीरे धीरे बचाओ। लेकिन अगर आपके 50% नहीं होंगे एक गुल्लक के अंदर, और इस गुल्लक का नाम रखा गया DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व,
बोला गया जब तक DRR में आपके पैसे नहीं होंगे आपको रिडीम करने नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, आपने रूल को रेगुलेशन को तोड़ा है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कंपनी डर के मारे क्या करती थी, पैसे डालती थी। फिर कंपनी ने बोला 50-50% रखवा रहे हो, फ़ायदा क्या हुआ डिबेंचर से लेके, हम सारा इसी में डाल देंगे तो फिर बचेगा क्या। तो फिर सेबी ने करा फिर 25, सेबी कह रहा हूँ कंपनी लॉ ने क्या करा 25। अगर मान लो 25 करा होगा तो 10 लाख का कितने परसेंट बचाने होंगे उसे, 2.5 लाख। 2.5 लाख अगर 5 सालों में बचाएं तो कितना डालेंगे जल्दी बताओ इसमें, 50, 50, 50, 50 और 50। उसके बाद फिर धीरे धीरे कंपनी ने बोला कि अब आप क्या बना लो 10%। अब कंपनी ने क्या बोल दिया है, आपको बनाना है 10%, आपको बचा के चलना। तैयारी मैं क्या पढ़ रहा था, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, यानी आपके पैसे को रिटर्न करना है, रिटर्न करने के पास आपके रिटर्न करने से पहले आपके पास DRR में पैसा होना जरूरी है। DRR समझ में आया, एक तरीके से मैंने बताया क्या, ये गुल्लक है जिसके अंदर आप पैसे डालोगे। कहाँ से निकाल के डालोगे, प्रॉफिट से डालोगे। समझ रहे हो बात, यहाँ तक कोई डाउट। कितने बनाने हैं 10%। तो अब सेबी ने जो रूल लेके आई नया अमेंडमेंट, जो कि इस साल के लिए आपके बुक के एग्ज़ाम के लिए अमेंडमेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अमेंडमेंट आया कि कुछ कंपनी को तो ये पैसा बचाना है और कुछ कंपनी को ये पैसा नहीं बचाना। उनका अमेंडमेंट क्या आया कि कुछ एक कंपनी को बोलते हैं कि आपको ये गुल्लक DRR बनाना मैंडेटरी है और कुछ एक कंपनी को बनाना मैंडेटरी नहीं है। अब कभी भी कोई भी कंपनी दो लोगों, इनफैक्ट 3 लोगों से हमेशा तालमेल बना के चलता है, नहीं तो 3ों में से कोई भी फाइन लगा देगा। एक कंपनी लॉ बोर्ड को सुनना है, एक हमें सुनना है सेबी को, एक सुनना है इनकम टैक्स को। 3ों की बातों को सुन के चलना है। अगर 3ों में से किसी की बात को मैंने इग्नोर किया तो वो अपने लॉ के हिसाब से हमारे ऊपर फाइन लगा देगा। तो सेबी कहता है कि भाई कंपनी लॉ तुम जो मर्जी सुनो, इन्वेस्टर तो हमें गाली देते हैं आके, हम 50% तो फिक्स ही रखेंगे। तो सेबी स्टिल अभी भी क्या बोल रहा है, कितने बनाने हैं 50%, लेकिन कंपनी लॉ कितना बोल रहा है 10%। समझ में आई बात आपको। इनकम टैक्स इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। तो सर हमें क्या लेके चलना है, हम सीख रहे हैं कंपनी अकाउंट, क्या सीख रहे हैं हम, हमें सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं कंपनी लोगे, सेबी का कोई नियम नहीं मानना, हमें लेके चलेंगे इसे। तो हमें बताओ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने नॉलेज के पर्पस के लिए बताया कि कंपनी के अंदर DRR जो है वो बनाया जाता है अभी भी स्टिल 50%, लेकिन हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम किसके अकॉर्डिंग DRR बनाएंगे, कंपनी लॉ, जो कि कितने परसेंट हो चुका है 10% हो चुका है। समझ में आई बात आपको, यहाँ तक 10% हो चुका है तो हम कंपनी लॉ को फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है जी, हमें DRR बनाना है। DRR क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब DRR किस कंपनी को बनाना है, कंपनी के टाइप कैटेगराइज कर दिए इन्होंने। कंपनी के टाइप की बात करें, बहुत लोगों ने इसमें बोला कि सर हमारा ये कंपनी है, हमारा इस तरीके का कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी कहता है कि हम डिफॉल्ट हो सकते हैं क्या, हम तो टाइम पे पैसे देंगे, हमारे पास तो एनी टाइम अवेलेबल होता है फंड। तो बोला बैंकिंग कंपनी को DRR बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू क्रिएट बैंकिंग को। मैं सारे बात लिख रहा हूँ किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, क्वेश्चन करते टाइम पे ये बातें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और DRR आपने बना दिया तो एग्जामिनर काट देगा, यही तो पूछना चाहता है कि आपको प्रोविज़न याद है या फिर नहीं है। मैं बता भी देता हूँ कि कौन सा अमेंडमेंट है, ये लिखा तो हुआ होना चाहिए अमेंडमेंट आपका, ये रूल 2014 में अमेंडमेंट आया था और अगस्त 2019 के अंदर अमेंडमेंट आया हुआ है। तो 19 में आया तो आपके एग्जाम में अप्लाई हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो जितने भी बैंकिंग कंपनी है उसको नहीं बनाना, और किसको नहीं बनाना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको भी DRR नहीं बनाना।
अफसर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? जो आरबीआई से रेगुलेटेड है, ये भी मैं लिख देता हूं, जो रेगुलेटेड है आरबीआई से, इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब आरबीआई क्या है आप सभी जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक को गवर्न करता है। तो अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दे दूं जिसका काम है सिर्फ लोन देना, जैसे आप बजाज फाइनेंस से फ़ोन वगैरह फाइनेंस कराते हो, सुना है आपने बजाज फाइनेंस, तो वो क्या कर रहा है, लोन दे रहा है आपको। सेम ऐसे आपका मुथूट फाइनेंस भी मान सकते हो, सेम ऐसे आप मान सकते हो कुछ कैपिटल फर्स्ट है, बड़े सारी कंपनी है, HDFC आपका फाइनेंस भी है, श्रीराम फाइनेंस भी है, तो बहुत सारी कंपनी है जो आपको कर्जा देती है। और ऐसे ही घर लेने के लिए भी बहुत सारी कंपनी कर्जा देता है, जैसे कि DHFL या फिर आप इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, बड़ी सारी कंपनी है, IFCI, तो ये तो नाम बताया मैंने। इन सभी कंपनी का काम क्या है, आपको सिर्फ लोन देना। अगर ये कंपनी लोन दे रही है तो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रही है और ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है और आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग से सारा काम कर रही है, तो इनको बोला गया आप मत बनाइए DRR। लेकिन अगर ये आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो बोला आपको बनाना पड़ेगा DRR, आपको बनाना पड़ेगा। और कौन सा कंपनी है जी जिन्हें DRR नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनी। सर ये लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर बाजार में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेती है, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी कोई भी हो उसे भी नहीं बनाना, नो DRR, ठीक है। और किसको नहीं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और किसको नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा कंपनी, सर ये इंफ्रा कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इंफ्रा कंपनी वो कंपनी है जिनका काम होता है कंस्ट्रक्शन के टाइप का, फ्लाईओवर बनाना, ब्रिज बनाना या पावर सप्लाई करना, तो ये सारी कंपनी कौन सी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। जैसे कि आपने मेट्रो बनते हुए देखा होगा अगर अपने आसपास, तो वो सारी कंपनी को बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, समझ में आई बात। तो इनको भी नहीं बनाना DRR, समझे। इसके बाद अब आ जाते हैं लास्ट, जिसको बनाना है इधर लिख देता हूं, जिसको क्रिएट करना है इधर लिख देते हैं, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी, जितने भी अनलिस्टेड कंपनी है उसको DRR बनाना है, और DRR बनाना है 10%। यानी अगर आपको DRR वाली बात याद रखनी है कि किसके लिए, अब DRR मैं फिर दोबारा बैक टू लेके चलता हूँ, DRR कहाँ से बनाएंगे, प्रॉफिट वगैरह में से बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं, डिबेंचर रिडीम करने से पहले कंपनी लॉ का रिक्वायरमेंट है इसलिए हम DRR बनाएंगे। किसको बनाना है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होता है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें दोनों हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है और लिमिटेड भी हो सकता है आपका, दोनों कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। DRR का मतलब क्या था बताना एक बार, नहीं ये तो फुल फॉर्म बताया। अगर मैंने नेट प्रॉफिट अगर मैंने कमाया 100 रुपए और मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं, तो क्या मुझे DRR बना लेना चाहिए, बनाना चाहिए। मेरे पास डिबेंचर जो है मुझे रिडीम करना है 1000 रुपये का डिबेंचर, या फिर मुझे डिबेंचर रिडीम करना है 500 रुपये का, तो आप मुझे बताइए मुझे कायदे के हिसाब से कितने परसेंट DRR बना लेना चाहिए। यानी हमें 50% किसका, डिबेंचर का प्रॉफिट का, 50 नहीं, किसने बोला 50, 10%, कितने बनाने चाहिए,
10% किसका? डिबेंचर का। डिबेंचर का 10% क्या होगा? और इस 50 रुपये को एक जगह आप रख लो। जब एक जगह रख लेते हैं ना, तो आपके अगर पॉकेट में पैसे हो तो खर्च हो जाते हैं। तो ये रखा किसके पास है? कंपनी के पास ही। कंपनी फिर खर्च कर देता था। तो कंपनी लॉ ने फिर गाइडेंस लेके आई कि जो भी आपका रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट करोगे रखोगे, आपको दो काम करना है। एक तो DRR बनाना ही है, साथ के साथ आपको डिबेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी करना है। यानी आपको डिबेंचर रिडीम करने से पहले एक तो DRR बनाना है और साथ के साथ एक DRI करना है। DRI का मतलब डिबेंचर रिजर्व या रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है सर, इसमें कितने परसेंट डालना है? इसमें आपको 15% डालना है। यानी DRR में कितने परसेंट डालना है? 10%। और DRI में, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट? 15। अब 15 किसका? फेस वैल्यू का। 15 किसका? और 10 भी किसका? फेस वैल्यू। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, आप बताना। मेरा डिबेंचर ना 1000 रुपये का डिबेंचर है और मैं 10% प्रीमियम पे इसको दूंगा वापसी, तो यानी रिटर्न कितना करूंगा डिबेंचर को? बताओ मुझे DRR कितने का बनाना चाहिए? 1000 रुपये का 10%। DRI कितना बनाना चाहिए? 1000 का 15%, 150। बनाना कैसे वो तो एंट्री सीखेंगे हम। DRR बनाने का कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है, बोला गया कि जब रिडम्पशन करोगे उससे पहले बना लेना। DRI के लिए बोला गया कि 30 अप्रैल तक बना लेना है आपको। जैसे स्टार्ट होता है ना फाइनेंशियल ईयर हमारा, तो 30 अप्रैल तक आपको बनाना है। तो इसका डेट भी मेंशन है। कितने परसेंट बनाना है सर? 15%। किसका? फेस वैल्यू का। कब तक बनाना है? 30/4 हर साल का। जिस साल आपको रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन करने से पहले आपको 30 अप्रैल तक बनाना है। सपोज करो 31 मार्च 2021 को रिडीम करना है, तो हमें 30 अप्रैल 2020 में 15% इन्वेस्टमेंट करना ही करना होगा। कुछ एक गाइडेंस है, समझ में आई बात? तो यानी सर DRR जब बनाएंगे तो उसकी भी जर्नल एंट्री होगी, और जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी भी जर्नल एंट्री होगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी आपने क्या नोट करना है, फिर मैं जर्नल एंट्री पे आऊँगा। जैसे आप नोट करोगे तो किस कंपनी को DRR बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये वाला पॉइंट मैं हटा देता हूँ थोड़ा आपको, ठीक है? और बस एक अलग से लिख लेना, हमें DRI भी बनाना है। कितने परसेंट? 15% 30 अप्रैल तक। नोट करिए इसको एक बार। अगर कभी भी हम डिबेंचर रिडीम करेंगे तो उससे पहले हमें एक प्रिपरेशन दो करनी है। एक तो हमें DRR बना लेना चाहिए, दूसरा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, उसके बाद डिबेंचर होल्डर के पैसे वापसी किए जाएंगे। तो एक एग्जांपल से मैं एंट्री समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रहता है, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे कितने हैं, 1000 डिबेंचर है, 1000 है 10% डिबेंचर, एट 100 ईच रिडीम आफ्टर 10 ईयर एट 10% प्रीमियम। पहली बात सर, आपने जो डिबेंचर रिडीम करना है, सर डिबेंचर जो आप रिडीम करोगे तो टोटल आपके पास फेस वैल्यू की बात करें तो 1000 × 100 होगा, यानी आपको रिटर्न करने हैं पूरे 1,00,000 रुपये, है कि नहीं? और सिर्फ आपको 1,00,000 नहीं वापस करना,
प्लस आपको प्रीमियम भी वापस करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 1 लाख के ऊपर 10%, यानी आपको टोटल एक्चुअल में वापसी करना 1,10,000। वापसी करने से पहले तैयारी, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो कंपनी है वो अनलिस्टेड है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? DRR। DRR कितने परसेंट बनाना चाहिए हमें? 10। ये 10 ना मिनिमम है, आपका इच्छा है 100 बना लो, कोई नहीं मना करेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। 10 से नीचे नहीं जा सकते, 9 बना लोगे ना क्वेश्चन गलत, और 10 की जगह आप 15 बना लो DRR नहीं होगा गलत, समझे बात? तो जो ये परसेंटेज लॉ में लिखा होता है कई बार वो लिस्ट ऑफ मिनिमम के लिए होता है, ठीक है ना? तो 10% DRR बनाना है, हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हम बना लेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैंने बनाया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सबसे पहले बताइए, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट होता है और हमें उससे पैसे निकाल के बनाना है DRR। तो जब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट होता है तो हम उसे क्या कर देंगे? डेबिट। एक बार मैं यहाँ साथ के साथ लिख देता हूँ कि क्या क्या सोर्सेस है DRR के, सोर्सेस DRR के, तो आपको याद भी होना चाहिए। नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम, आप याद करो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में लिखा था कि डिवेंचर रिडेम्पशन करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लिखा था ना? तो इसका मतलब DRR बनाने के लिए SP का यूज़ हो सकता है, GR का यूज़ हो सकता है, अब सरप्लस का यूज़ हो सकता है। सर, सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, और 2 आपको बनाना है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो DRR। सर, बीइंग क्या होगा इसका? बीइंग DRR या कितने रुपए का बनाना है बताओ? 10%। 10% किसका? 1/10 का या 1 लाख का? 1 लाख का, जो कि निकल के आएगा 10,000। तो यहां लिखेंगे 10,000 ट्रांसफर टू DRR, समझ में बात? अब हमें करना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या होगा हमारा? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। डेट के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बेसिक एंट्री में सिखा रहा हूं, ठीक है ना? टू बैंक। अब बताइए कितने परसेंट होना चाहिए? किसका? 15। 1 लाख का 15, यानी बीइंग लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड ₹15,000, समझ में आई बात आपको? तो ये दोनों तो है पहले प्रिपरेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे डिबेंचर होल्डर को? अगर ये दोनों काम डन है तभी आप डिबेंचर होल्डर को बुलाइएगा। अगर ये दोनों काम नहीं कर रखे आपने पहले से, तो डिबेंचर होल्डर को बुलाने का कोई फायदा नहीं, सेबी आपको, कंपनी लॉ बोर्ड आपको ये करने नहीं देगा। तो हमने ये दो काम कर लिए, आप डिबेंचर होल्डर को बुला लें। तो डिबेंचर होल्डर को जब बुलाएंगे तो उसकी एंट्री क्या होगा जी? 10% डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट जी आपको 1 लाख देने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने देने हैं, और 2 डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का मतलब जिस व्यक्ति को पैसे रिटर्न करना होता है ना, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर है तो बोल देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर है तो उसको क्या बोल देते हैं? डिबेंचर। कितने वापसी करने? 1,10,000। बीइंग डिबेंचर होल्डर अमाउंट ड्यू, कोई दिक्कत? अभी हमने पैसा नहीं दिया उसको, अब पैसा देना होगा।
पैसे देने के लिए क्या करेंगे हम? पैसे देने के लिए हम करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू। अब इसका बीइंग क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अमाउंट पेड, यही होगा ना, डिबेंचर होल्डर का पैसा हमने दे दिया, तो इसका बीइंग क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अमाउंट पेड, डिबेंचर होल्डर अमाउंट पेड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या होगा, जो हमारे पास DRR में पैसा था उसको जनरल रिजर्व में भेजना होगा, एक एंट्री ट्रांसफर की करेंगे, और एक एंट्री जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा हूं, जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है इसको राइट ऑफ भी करना होगा। सर राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा है? जो डिबेंचर होल्डर को दिया। अब याद करो जिसने करा है पिछला चैप्टर, पिछले चैप्टर में मैंने करा था लॉस और क्रेडिट करा था सिक्योरिटी प्रीमियम, याद है? अब यहां डेबिट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने बोला था ना यहां पे डेबिट होगा। अब इसको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा? राइट ऑफ करने के लिए या तो हमारे पास पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, या तो अभी मैं सिंपल बता रहा हूं राइट ऑफ करने का तरीका। राइट ऑफ करेंगे हम, इसको P&L में भेज देना है। इसको कहां भेजना है? अपने P&L में। तो P&L में भेजोगे तो आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए, और बीइंग लिखा जाएगा बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न ऑफ। कोई दिक्कत है यहां तक? एक एंट्री और होनी है, ये यहां कर देता हूं। सर कौन सी एंट्री? आपके DRR को ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि जब आप रिडम्पशन कर चुके हो और रिडम्पशन करने के बाद भी आपके बैलेंस शीट में DRR दिखे तो फिर आपकी कंपनी में गलती है। आपने DRR बनाया था डिबेंचर होल्डर को पे करने का, आप जब डिबेंचर होल्डर को पे कर चुके हो तो फिर DRR क्या कर रहा है आपके बैलेंस शीट में? उसे जीरो करो। तो उसको जीरो करने के लिए एक ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। क्या करते हैं हम? DRR टू GR, और कितने रुपए? जितने बनाए थे 10,000। समझ में आया क्यों? बोलोगे सर आप इसको जब आपको खत्म ही करना था बनाया क्यों? तो मैं बता दूं आपको, इनके डेट्स अलग होंगे, अभी तो मैं डेट्स कंसीडर नहीं कर रहा। हो सकता है ये बनाया हो आपने 31/3/2020 में और रिडम्पशन की शुरुआत करी है आपने 31/3 या 1 अप्रैल 2021 में, या 31/3/2021 में, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो इसलिए ये DRR बनाने की एंट्री है और इसको हमें ख़त्म भी करना होता है। ख़त्म किसके थ्रू करेंगे हम? हमेशा जनरल रिजर्व। तो कितनी एंट्री हो गई? फिर से एंट्री एक बार रिवाइज करते हैं। ये है DRR बनाया और ये क्या किया मैंने? इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद डिबेंचर होल्डर को बुलाया, पेमेंट कर दिया, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को P&L में भेज दिया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता यहां तो ये वाली एंट्री नहीं करते। अगले हमने DRR को ट्रांसफर कहां कर दिया? जनरल रिजर्व में। समझ में आई कितनी एंट्री हो गई? अब मान लो ये होता बैंकिंग कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन में ये एंट्री होता ही नहीं ना, ये वाली एंट्री करते हम ट्रांसफर वाली, बाकी सारी एंट्री रहता। हम करेंगे उस पर भी क्वेश्चन, तो पहले यहां तक देखो, कोई डाउट? नहीं, DRI तो बनाना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। DRI इसलिए मैं यहां पे आया नहीं, क्वेश्चन हो सकता है। मैं अभी सिंपल पहले देखो, अभी हमने कोई क्वेश्चन बुक का भी नहीं किया, बेसिक बेसिक एंट्री आपको क्लियर है कैसे कैसे करना है। पहले क्या? DRR, फिर DRI, फिर ड्यू की अमाउंट, फिर पेड, रिटर्न ऑफ है तो रिटर्न ऑफ करेंगे, और लास्ट में ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, फटाफट करिए। एक एंट्री मिस रह गया सर, वो क्या रहा? देखो मैंने DRR बनाया, ये DRI करा, अब ड्यू करा और पेड करा।
हमें एक एंट्री और करना पड़ेगा, कब? ड्यू से पहले, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे भी तो, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को करने का पर्पस क्या है, लॉजिकली समझना, इस इन्वेस्टमेंट को करने का पर्पस क्या है, रिडम्पशन करना। अब रिडम्पशन हो गया और आपका ये बिक भी जाना चाहिए, तो एक और एंट्री करेंगे, मैं यहीं कर देता हूं नीचे, क्या एंट्री करेंगे, एक एंट्री और होना चाहिए, एक एंट्री होना चाहिए इसको बेच, कब होना चाहिए, देखो नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री यहां कर रहा हूं मैं, जो मिस हो गया मेरे से, क्या होना चाहिए, आपके बैंक में पैसा आना चाहिए और टू DRI होना चाहिए, कितने, तीन के बाद इसे चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर और सात, वैसे अगर एक ही डेट हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब एक बच्चे का डाउट था, सर DRI क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक जगह पैसे को इकट्ठा कर पाए, इसलिए क्या बनाते हैं हम DRI, ये पैसा है, तो सर इसमें भी तो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ये एक आपके प्रॉफिट को बैलेंस किया जा रहा है, पैसा तो यहीं से इकट्ठा होगा ना, कभी आपने देखा है आपके अगर बैलेंस शीट में 5 लाख का प्रॉफिट हो तो आपके जेब में भी 5 लाख पड़ा है, नहीं होता ऐसा, वो तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री है, एक्चुअल तो वो है जो बैंक के अंदर बैलेंस है, तो आप क्या करते हो बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोल के और अलग से पैसा रख देते हो, जब डिबेंचर रिडीम करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो सारा जो इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं भाई इसे मान लेते हैं FD करा है, हम क्या बोलते हैं FD तोड़ो भाई, हमें डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, तो फिर हमने FD तोड़ के, ये क्या है, डिबेंचर होल्डर के पैसे लौटाने के लिए हमने क्या करा, FD तोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, जब हम FD को ब्रेक करेंगे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और हो सकता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है अगर शेयर बाजार में पैसा या कहीं और लगाया है, तो हमारा ये ज़्यादा महंगा भी बिक सकता है और सस्ता भी, तो वो सब भी देखेंगे। अभी तो हमें सिर्फ देखो फर्स्ट क्लास है रिडम्पशन का, तो बेसिक एंट्री, कितनी एंट्री हो गई टोटल हमारी, 7 एंट्री, तो ये बेसिक एंट्री क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, तो वो तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है ना। एक एंट्री और एड ऑन करिए आप, चलिए आपके बुक का जो मैं ये क्वेश्चन करूँगा, पहली बात इस क्वेश्चन में मैं इंटरेस्ट को इग्नोर करके चल रहा हूँ, आपके बुक में जब इलस्ट्रेशन देखोगे तो वहाँ इंटरेस्ट की भी एंट्री करी हुई है, तो मैं इंटरेस्ट को इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, आपके कुछ एक एंट्री इसमें मैं मिस कर दूंगा, मैं जितना मैंने अभी तक सिखाया है सिर्फ मैं वही एंट्री इससे करके दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार जो मैंने लिखा है, कहता हूँ 1 अप्रैल 2020 विष्णु प्रिया स्टील लिमिटेड बैलेंस 4 लाख इन सरप्लस, इसके पास बैलेंस 4 लाख सरप्लस में जो मैंने लिख दिया, एंड द कंपनी डिसाइड रीपे 4 लाख 12% डिबेंचर ऑन 31 मार्च 2021। साल के एंड में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, रीपे कर देंगे डिबेंचर का और 10% प्रीमियम पे। कहता है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 आर क्लोज। डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है हम 31 मार्च को देते हैं, चलो मैं इंटरेस्ट की भी एंट्री कर दूंगा, यानी इंटरेस्ट भी हम 31 मार्च को देना है, तो इंटरेस्ट की कितनी एंट्री होगी, 3, एक होगा इंटरेस्ट ड्यू, एक पेड और एक लास्ट क्या होगा 31 मार्च को ट्रांसफर P&L में, है ना, कर देंगे इंटरेस्ट की भी। द कंपनी हैज ऑल्सो बैलेंस 2 लाख रुपीज इन DRR, कंपनी के पास 2 लाख रुपये पहले से DRR में है, तो आपने ये तय करना है, अगर मैं पूछूं आपको कि ये कहता है यहाँ पे कौन सी कंपनी है, लिमिटेड है, और क्वेश्चन में कहता ही नहीं लिस्टेड है, तो आप मान लो अनलिस्टेड है, जब आप इसे अनलिस्टेड मान रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आप मुझे बताइए कि DRR कायदे के हिसाब से अगर डिबेंचर 4 लाख का रिडीम हो रहा है तो DRR कितने रुपए का बनना चाहिए, 4 लाख था ये 40,000 था, 4 लाख का था तो कितना बनना चाहिए, और कंपनी के पास बैलेंस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पहले से कितना है, 2 लाख रुपए। द कंपनी मेक इन्वेस्टमेंट एज पर द रूल 2014 में आया था, 2014 में रूल यही आया था 15% का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 अप्रैल एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर में, हर एक 1 अप्रैल को हमें रिडम्पशन इसको करना है। कहता है जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, और जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें 10% क्या मिलेगा, ब्याज भी मिल जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10% का ब्याज। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना,
अब देखिए, आपके सोर्सेस क्या थे डिबेंचर रिडीम करने के, सोर्सेस बताइए, मैंने लिखवाया था। सबसे पहले था आपका आउट ऑफ नंबर, दो था आउट ऑफ ठीक है, थर्ड था हमारा, अब ध्यान देना जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा ना तो आप वैसे तो 10% बनाना रूल के हिसाब से, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट में एग्जाम में आप 100% DRR बनाएंगे, और सर आउट ऑफ कैपिटल होगा तो फिर 10% बनाना, कन्वर्जन में तो बनाना ही नहीं होता, हम आगे सीखेंगे जब कन्वर्जन पे आएंगे। सर मुझे बताइए आउट ऑफ प्रॉफिट कैसे पता चलेगा और आउट ऑफ कैपिटल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क तो ये है। अगर आप सरप्लस में से सारा काम करके चल रहे हैं, कहाँ से, हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन में मुझे 10% फोकस करना था इसलिए मैंने 10% बना के दिखाया। अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास बैलेंस कहाँ है, जर्नलिज्म में तो नहीं है ना, कहाँ है, तो यानी आप जो अजम्पशन ले लो यहाँ पे, एक आप क्या अजम्पशन ले, देखो हमें बताया नहीं क्वेश्चन में, आप अजम्पशन लेते हो कि सर हम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट तो कितने परसेंट बनाओगे DRR, और अजम्पशन क्या लेना हमारे पास प्रॉफिट में सही हो रहा है तो कितने परसेंट बनेगा, 100%। लेकिन आप अजम्पशन ले लेते हो, अगर नोट दे देते हो और कुछ एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि आउट ऑफ कैपिटल है, तब कितने परसेंट बनाना है आपने, तो ये भी बातें ध्यान रखना है। तो मैं धीरे धीरे पॉइंट ऐड ऑन करता जाऊंगा, सबको रिकनसाइल करें एक बार। मैंने क्या बताया कि सर DRR बनाना सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है और वो बनाना है 10%, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ तो हम DRR 10 नहीं बनाएंगे, 10 के बजाय कितना बना लेंगे हम, 100%। लेकिन DRI में कोई बदलाव नहीं होगा, DRI तो 15% फिक्स है, उतना ही बनाएंगे एज पर रूल 2014 के हिसाब से, समझ में ही बात आपको, और ये 10% वाला रूल 2019 के हिसाब से है। तो चलिए अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या कर लें, DRR 100% बनाएंगे हम इस वाले क्वेश्चन में, तो पहले से हमारे पास DRR कितना है, तो हमें 100% के हिसाब से कितना बना लेना चाहिए, और टोटल प्री रिडेम्पशन कितना कर रहे हैं, 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख पहले से अकाउंट में, तो और कितना बनाओगे, 2 लाख। तो एंट्री करेंगे हम सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, पहले तो ये देखो समझ में आया या नहीं आया, और सर ये किस तारीख पे एंट्री होगा, आप देखो अप्रैल और 31 मार्च गिवन है, तो हमेशा एंट्री जो होगा वो 31 मार्च को होगा, ये कब होगा, ये 31/3 को, 31/3 के बाद नहीं जा सकते, रिडम्पशन से वाले दिन तक आपका हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे अगर 1 अप्रैल भी डाल दें डेट तो कोई फर्क नहीं है, या डेट को छोड़िए, डेट के लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा और उस पर समझाऊंगा, डेट को अभी कंसिडर भी मत करना, ये समझ में आया एंट्री। दूसरी एंट्री किसकी करेंगे, चेक करो रजिस्टर में, DRI की अगर हम बात करें तो DRI कितने करने, 15%, तो इसका 15% कितना होगा, 60,000, तो एंट्री क्या करेंगे, DRI टू बैंक कितने हो गए। तीसरी एंट्री क्या बोला था, DRI को बेच दो, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि DRI पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, कितने परसेंट, 10% मिलेगा इंटरेस्ट, मैं लिख देता हूँ यहाँ, DRI पे इंटरेस्ट भी होगा, तो इसका मतलब 10% के हिसाब से देखा जाए, जब DRI को बेचेंगे तो बैंक में जो मेरे बैंक में पैसे आएगा, इधर करते हैं, बैंक में पेमेंट आएगा ना, तो बैंक में पेमेंट क्या 60 आएगा या 66,000 आएगा, कैसे आया सर 66,000, ब्याज के साथ, और टू मेरा DRI के बदले कितने आए, और टू इंटरेस्ट के बदले, कोई दिक्कत बताइए। अब इस इंटरेस्ट को हमें P&L में भी भेजना है, इस इंटरेस्ट को P&L में कैसे भेजेंगे, इंटरेस्ट डेबिट ऑन DRI टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड
मैं इंटरेस्ट की एंट्री मैंने बोला मैं कर दूंगा, इग्नोर करके चल रहा हूँ, अभी ज़्यादा एंट्री कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ये एंट्री समझ में आया, ये लाइन खींच देते हैं, ये समझ में आई, ये भी समझ में आ गया, इसको मैंने बेचा है, इसको भी समझ में आ गया, बेचने के बाद इंटरेस्ट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, अगर लॉस होता तो लॉस को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्या करेंगे, हम डिबेंचर होल्डर को बुला लेंगे, डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे तो 12% डिबेंचर दे रखा है हमें, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने रुपए, 40,000। और टू डिबेंचर होल्डर को कितने देंगे, 4,40। लीजिए, बताइए कोई डाउट। अब इसके बाद क्या लिखा था एंट्री में, क्या करना है आपने, पेमेंट कर देंगे, क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बींग वगैरह मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है, मैंने एक बार लिख दिया तो वही रिपीटेड होता रहता है। अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद, बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या करेंगे, हमारे पास सरप्लस में पैसा है, यह स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू एसपी कितने रुपए, 40,000 है ना। इसके बाद क्या करेंगे, डीआरआर को जीआर में ट्रांसफर करेंगे। अब डीआरआर को जीआर में टोटल ट्रांसफर करना होता है, तो डीआरआर में कितने पैसे हैं, 2 ये और 2 पुराने, तो टोटल 4 लाख। और कहां पहुंचा दे, ये एंट्री डन हो गया। इंटरेस्ट अभी मैंने इसमें कंसीडर नहीं किया है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवाऊंगा जब पहले बेसिक एंट्री आपको समझ में आ जाए, फिर जब मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगा तो जैसे आपके क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअली सारी चीज़ें कंसीडर करके करूंगा मैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट करिए आप।